Shankaracharya is the head of Hindu religion. In Shankaracharya, dissolve all the differences and dissensions of different sects and creeds of Hindu religion. Somehow the seat of Shankaracharya remained vacant. There was no occupant of that great throne of Shankaracharya. All the conscientious leaders of public life and good saints were concerned with this seat of Shankaracharya remaining vacant. They held national conferences to select some Shankaracharya. And on the higher circle of the saints, Gurudev was known, so they decided to approach him wherever he was. The story goes that it took him 20 years of persuasion to accept the seat of Shankaracharya. तो इस वास्ते वासना लौकिक वासना साध्य जो वस्तु है वह तो मिथ्या ही है, कभी हमारे हित की चीज नहीं। जब लड़का पैदा हुआ, पालन पोषण विवाह हुआ, भी हो गया, कुछ पढ़ाया लिखाया भी गया, और कहीं बहू आ गई और कहीं अंग्रेजी पढ़ी आ गई, अंग्रेजी पढ़ी लिए क्या लिखी आई, बस उसने यही कहा कि देखो बात यही है, ये अपने माता पिता को हमने छोड़ा, तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारी तुम्हारी तभी बनेगी जब तुम भी हमारी तरह से बनो। हमने अपनी माता पिता को छोड़ा, तुम भी छोड़ो अपने माता पिता का। बस माता पिता के लिए कोई प्राचीन विचार की हो ऐसा नहीं, बहुत सी ऐसी साध्वी हैं जो सबके विचार ये नहीं है, पर जो अच्छे विचार की हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, कहना क्या है वो तो ठीक ही है, पर जो इस प्रकार के विचार की हैं उन्हीं के लिए कहा जाता है। Now Shankaracharya means a great institution in himself. Hundreds of people surround him and all this, a great commotion. His life had been of complete silence. Whatever it was, that was the time when he came to, when Shankaracharya used to come, they take him out on great processions with great, all big paraphernalia. In one of the processions I happened to see him, and when I saw him first time, I said, now fine, this is it. That was the flash to me. सायं प्रातः शिशिरपतन्तौ पुनरायात् कालक्रीडति गच्छन्त्यायो तदपि नमुञ्चत्यासावायो भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलमते अग्रे बन्धे पृष्ठे भानो रात्रौ सुभगसमरपि भजानो करतलवीक्षतरुतलवास तदपि नमुञ्चत्यासापास भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलमते यावद् वित्तो पार्विनशक्त तावद् निजपरिवारो रक्त पश्चात् यावति जरजरते पातां पृच्छति कोऽपि न ते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलमते नकुलमुण्डीलङ्कितकेश शाकायाम्बरपौकृतवेश पश्चन्नति न च पश्यति मूल उदरमेकं बहुकृतवेश भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवशङ्कापीता सत्कृद्धति मुरारिसमर्चा तस्य ज्योतिं कुरुतु सरसां भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलमते अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनदीनं जातं सुन्नम्
Thank you.